हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरु जी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लेड एसिड बैटरी को अगर आप बहुत दिन तक यूज़ नहीं करते हैं, अपने व्हीकल को बहुत दिन तक यूज़ नहीं करते हैं, तो वो कैसे खुद से डिस्चार्ज हो जाता है। जो लेड एसिड बैटरी होता है वो 4% to 5% पर वीक के रेट से खुद से डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो लेड एसिड बैटरी होता है उसका सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप बहुत दिन तक हमने व्हीकल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपका जो लेड एसिड बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और लेड एसिड बैटरी को कभी भी डीप डिस्चार्ज आपको नहीं करना चाहिए। और लेड एसिड बैटरी को डीप डिस्चार्ज पसंद नहीं है। अगर वो ज़्यादा डीप डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसका लाइफ डिग्रेड हो जाता है। जो बैटरी आपका 3 साल 4 साल काम करेगा, वो डीप डिस्चार्ज होने की वजह से वो आपका 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर में ही आपका बैकअप देना बंद कर देगा। तो इसीलिए लेड एसिड बैटरी जैसे ही वो डिस्चार्ज हो उसे इमिडिएटली आपको रिचार्ज करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपका लेड एसिड बैटरी मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, स्कूटर का हो, अगर डिस्चार्ज हो गया किसी भी वजह से, तो उसे आप फिर रिचार्ज कैसे करेंगे। तो एक तो मेथड है कि आप बाहर जा करके किसी मैकेनिक, किसी सर्विस सेंटर के पास उसे रिचार्ज करा सकते हैं, और या फिर आप इस तरह के स्मार्ट फास्ट चार्जर के हेल्प से आप उसे खुद से घर पे ही चार्ज कर सकते हैं। तो बाहर अगर आप चार्ज कराएंगे तो आपको ओपन करना पड़ेगा या मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी को लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे फिर चार्ज आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको लेके आना पड़ेगा। एक बात आपको और ध्यान देना होगा, ये जो लेड एसिड बैटरी होता है उससे अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर देते हैं तो वो भी उसके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। प्लस उसका जो चार्जिंग करंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह का जो स्मार्ट फास्ट चार्जर होता है वो सारा चीज़ को ध्यान में रख के बनाया होता है। मैं इस चार्जर को बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है और हर एक चीज़ को ये ध्यान में रख के बनाया गया है। बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। मैं अराउंड 2 to 3 ईयर से मैं इस चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसमें सारा कुछ दिया रहता है। आप देखेंगे कि चार्जिंग वोल्टेज क्या है, आपका बैटरी कितना फुल हुआ है, सारा कुछ इसमें शो करता है। और इस चार्जर के हेल्प से आप किसी भी व्हीकल का बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कार का बैटरी है जिसे मुझे चार्ज करना है। अब अगर इसे मैं बाहर लेके जाता हूँ तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है, ले जाने में टेंशन, फिर लेके आना है, फिर वहाँ पे चार्ज जब तक होगा आपको वेट करना पड़ेगा। प्लस जो सबसे बड़ा डिमेरिट होता है वो होता है कि अगर उसके पास एक अच्छा चार्जर नहीं है, उसमें ओवर चार्ज प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको चार्ज में लगा देते हैं, ठीक है। वो पता नहीं चलता उसमें कि ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है, अभी इसमें चार्ज हो गया है, तो वो ओवर चार्जिंग कर देता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो लेड एसिड बैटरी है इसमें डीप डिस्चार्ज हुआ वो भी प्रॉब्लम है, और अगर इसमें ओवर चार्जिंग कर दिए वो भी प्रॉब्लम है, लाइफ को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देता है। तो ये जो चार्जर है इसमें यही एक अच्छा चीज़ है कि इसमें सारा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, इसमें आपको परसेंटेज शो करते रहेगा कि कितना परसेंटेज हो गया है, और ये ओवर चार्ज से आपका बचाता भी है। तो आइए इस बैटरी को हम लोग खुद से इस चार्जर के हेल्प से घर पे ही चार्ज करते हैं। सबसे पहले मुझे ये प्लग लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें सप्लाई देंगे इसका ये जो डिजिटल डिस्प्ले है वो आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसका ये जो टर्मिनल है, निगेटिव और पॉजिटिव, ये रेड वाला पॉजिटिव है, इसे आपको बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट किया और ये निगेटिव वाला निगेटिव टर्मिनल में। जैसे ही आप इससे कनेक्ट करेंगे आपका बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक फ़ैन का साउंड आ रहा होगा। यहाँ पे एक कूलिंग फ़ैन भी दिया हुआ है ताकि ये चार्जर आपका ओवरहीट ना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपका दे रहा है, ये कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है, अभी 75% है, क्या इसका चार्जिंग वोल्टेज है वो आपका शो कर रहा है, करंट कितना जा रहा है वो शो कर रहा है। और जैसे ही ये बैटरी फुल होगा, जैसे ही ये 100% पहुंचेगा, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसमें ओवर चार्जिंग का कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये है बेनिफिट इस चार्जर का।
और मैंने अभी जस्ट इससे CT100 वाला जो बैटरी था मैंने अभी चार्ज किया इससे, ये देखिए मैंने इसे चार्ज किया है, ये डिस्चार्ज हो गया था, इसे मैंने चार्ज किया है और अभी मैं इस कार का बैटरी को इसे चार्ज कर रहा हूँ। देखिए ये खुद से चार्ज करेगा एक प्रॉपर वोल्टेज पे, एक प्रॉपर करंट पे, और जब ये चार्ज हो जाएगा आप अपना काम कीजिए, जब ये चार्ज हो जाएगा खुद से ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसे चार्ज होने देते हैं, खुद से ये चार्ज हो जाएगा और ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आपका भी कार का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, किसी भी व्हीकल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इस तरह के ऑटोमेटिक चार्जर के हेल्प से आप उसे घर पे ही खुद से चार्ज कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए बनाऊँ रिपेयर रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 घंटे चलने के बाद ये बैटरी फुल हो गया है और जैसे ही बैटरी फुल होता है ये जो चार्जर है खुद स्टॉप हो जाता है, आपको फैन का साउंड आपको नहीं मिल रहा होगा। और यहाँ पे देखिए बैटरी फुल शो कर रहा है और यहाँ पे ये देखिए 100% शो कर रहा है, बैटरी का परसेंटेज पहले 75-80 था, अभी 100 हो गया, 100% ये चार्ज हो गया है। और देखिए यहाँ पे जो करंट है वो 0.0, मतलब कोई करंट अब फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम लोग इसे रिमूव कर देंगे।